डेली एक सा ब्रेकफास्ट या डिनर करके जब हम उब जाते हैं तो रेस्टोरेंट जाकर खाने का मन होता है। अभी तो हम बाहर जा नहीं सकते, तो क्यों ना घर पर ही बहुत कम इंग्रेडिएंट और कम मेहनत में रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाएं। इस पनीर की सब्ज़ी का स्वाद शाही पनीर या पनीर बटर मसाला की तरह आता है, जबकि हमने इसमें बिना दही, बिना बटर और ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किए बनाया है। और इसी के साथ हम आटे का मसाला पराठा बनाएंगे। इस सब्ज़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तंदूरी या नान बनाने में हमें दही, ईस्ट और घंटों की मेहनत लगती है। और घर में अगर कुछ स्पेशल खाने की फरमाइश हो तो आप इस कॉम्बो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पनीर मसाला और स्पेशल मसाला पराठा बनाएंगे, जिसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट या डिनर में बना सकते हैं। तो चलते हैं किचन में। पराठा बनाने के लिए हमने 2 कप गेहूं का छाना हुआ आटा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार करेंगे। पराठा बनाने के लिए हमारा डो बनकर रेडी है। इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है। अब हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। खाना बनाते वक्त पहले आप डो बनाकर रख ले, फिर सब्जी या दाल बनाए, तब तक डो सेट हो चुका रहेगा। और ढककर 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी ऐड करेंगे। फिर 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज पिंकी होने तक पका लेंगे। अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 काजू ऐड करके इसे सौटे कर लेंगे। कुछ देर इसे मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट सा हो चुका है, तो इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम लिड हटा कर इसे चेक करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुका है, तो हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और लाल मिर्च के डंठल को निकाल लेंगे। इस पेस्ट से ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ रेस्टोरेंट की सब्ज़ी जैसी बनती है। अब लीड लगाकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसका स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, फिर 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पनीर मसाला ऐड करेंगे। मसाले डालते वक्त फ्लेम को लो कर दें ताकि मसाले जले ना। इसे 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। 30 सेकेंड बाद अपना बनाया हुआ प्यूरी पैन में ऐड करेंगे और जार को धोकर हम थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और इसे तेल अलग होने तक भूनेंगे।
ग्रेवी को जितना पकाएंगे सब्जी उतना ही स्वादिष्ट बनती है। और इसे लिड से कवर कर देंगे। कुछ देर बाद हम लिड हटाएंगे और इसे स्टर कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं 2 चम्मच दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई या फ्रेश क्रीम हो तो डालें, वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं। आधी कटोरी पानी डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक का इस्तेमाल हमें कम ही करना है, क्योंकि पेस्ट बनाते वक्त भी हमने नमक डाला था। मसालों को कुछ देर के लिए स्टर करते हुए भूनेंगे। ग्रेवी अभी ज़्यादा ठीक है तो इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली ना रखें। इसे ढककर एक बॉयल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी पक चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हम हाथों पर क्रश करके डालेंगे। अब लास्ट में 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, जो फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने कुछ पनीर के क्यूब्स लिए हैं। ये पनीर काफ़ी सॉफ्ट है, जिसे हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पनीर के क्यूब्स को हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और हल्के हाथों से मसालों के साथ इसे मिक्स करेंगे, ताकि पनीर टूटे ना। और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद अब हमारी पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं मसाला पराठा बनाने के प्रोसेस में। डो अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्टिंग के लिए रखेंगे। डो से हम एक बड़े साइज के लोई निकालेंगे। इस पर सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे दबाते हुए हाथों से फैला लेंगे। फिर बेलन के हेल्प से इसे बेलेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 छोटी चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, फिर मंगरेल और अजवाइन स्प्रिंकल करेंगे। फिर 1/2 चम्मच तेल डालकर हम मसालों को हाथों से चारों तरफ फैला लेंगे। फिर इसे रोल कर लेंगे और इस तरह घुमाते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। अब सूखा आटा में लपेट कर इसे बेलकर पराठे का शेप देंगे। तो ये हमारा पराठे का सेप रेडी है। इसे गरम तवे पर रखकर सेक लेंगे। एक तरफ सिकने के बाद इसे पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। अब पराठों के ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। और पलटकर दूसरी साइड भी अप्लाई कर लेंगे। इसे दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब हमारा पराठा सेक कर तैयार है। इसे हम एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरे पराठा भी सेक लेंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए पनीर की सब्जी को हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। इस सब्जी को आप पराठे, नान, कुलचे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से हम एक क्यूब बटर डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसे पराठों के साथ सर्व करेंगे। पराठे के ऊपर भी हम बटर अप्लाई कर लेंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए।
आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेसिपी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।